नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर ये दिख रही है वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट की है, और दूसरी तस्वीर है वो भी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट की है, लेकिन अंतर इतना है कि ये कल 10 बजे से पहले की है, रविवार सवेरे 10 बजे से पहले की, और ये रविवार 10 बजे के बाद की है। चमोली ज़िले में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जिस तरह की आपदा आई है और जिससे तबाही, आफत, आपदा, इसको अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं कि कितनी बड़ी ये दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जो तबाही है उसमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, नुकसान मानवीय है। दूसरी बड़ी बात कि इसमें जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे चमोली ज़िले में, उनको नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूट के गिरता है, ग्लेशियर जो है धौली गंगा में जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, और जल स्तर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो बिजली बनाने का था, इसके अलावा तपोवन पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मानवीय होता है। ये जो पानी था ये मजदूरों को बहाकर ले गया। तो उत्तराखंड पुलिस ने बताया है कि कल के हादसे में अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की सूचना उन्हें मिल चुकी है। 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है कि टनल में पानी का लेवल है अब बढ़ रहा है। कल जो टनल, दो टनल हैं इसमें, एक टनल में से कुछ लोग निकाले गए थे, दूसरी टनल में लोग फंसे हुए हैं। करीब 35 से 40 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। NDRF, SDRF, ITBP, आर्मी, ये सभी लोग राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आफत बड़ी है। इसको आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड पुलिस ने एक डेटा जारी किया है। डेटा में बताया है कि कहां कहां से कौन कौन, कितने कितने लोग जो हैं लापता हैं, मिसिंग हैं। तो आपदा में लापता व्यक्तियों का विवरण, ऋत्विक कंपनी से 21 लोग गायब हैं, मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे हैं। ऋत्विक की सहयोगी जो और जो संस्थाएं हैं उसके 100 लोग, ये बड़ा आंकड़ा है। SCC कंपनी 3 लोग, ओम मेटल 21, तपोवन गांव को भी इफेक्ट किया है, रिंगी गांव में भी 2 लोग लापता हैं। ऋषि गंगा कंपनी, इसमें से 46 लोग लापता हैं। कड़छो गांव भी ये रेणी के पास ही पड़ता है, इसमें से 2 लोग। रेणी गांव जो मेन इलाका है, रेणी गांव जहां पर ऋषि गंगा नदी और धौली गंगा नदी आकर मिलती है, रेणी गांव में से 5 लोग लापता हैं। तो कुल जो लोग हैं अब तक वो 202 आए हैं। ये जो आंकड़ा है वो उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया है। इससे पहले सवेरे MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बताया था करीब 153 लोग मिसिंग हैं और 15 लोगों के शव मिल चुके हैं, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मिसिंग का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कैजुअल्टीज़ का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो बरामदी का जो काम है वो जारी है। दूसरी बड़ी बात कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें जो दिक्कत हो रही है उसको सुलझाने के लिए एयरलिफ्ट का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए। पहली ये कि जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, रवि चोपड़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कमेटी बनी थी, और उसने ये साफ कहा था कि इस पूरे इलाके में, केदारनाथ वाले इलाके में, करीब 23 पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव इलाकों में शामिल हो जाता है और फिर इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, केदारनाथ वाला इलाका डिफरेंट है और जो कल हुआ है जोशीमठ में वो इलाका अलग है, लेकिन ये इलाका भी सेंसिटिव है और ये वो इलाका है जहाँ पर कंकड़ उठाने की भी मनाही है और ये इस तरह का पावर प्लांट का काम किया जा रहा है। उसका कारण साफ है कि ये जो पूरा इलाका है वो नंदा देवी नेशनल पार्क के निचला इलाका है। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो थोड़ा इससे ऊपर पड़ता है और ये उससे निचला इलाका है। नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ से ही ऋषि गंगा नदी निकलती है, तो ये जो इलाका है वो रिजर्व में रखा जाता है। कई बार 2011 में इस ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया, 2016 में इसको बंद कर दिया गया, उसमें अनियमितताएँ बताई गई तो बंद कर दिया गया। उसके बाद 2019 में फिर से इसके काम को शुरू किया गया और 2019 में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, जिसको लेकर ये कहा गया था कि यहाँ पर सेंसिटिव इलाका होने की वजह से जंगल काटे जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आगे आएंगी, लेकिन
सारी बातें शायद ताक पर रखी गई जब इस तरह की चीज़ें लोगों को पहले से पता थी। जो गंगा में पानी जा रहा है इससे गंगा किनारे के इलाकों में जल स्तर बढ़ने की आशंका है। ये आशंका कल शाम तक बहुत ज़्यादा थी, ऋषिकेश, हरिद्वार या यूपी के अन्य इलाके, बिजनौर है जिसमें कानपुर है, फरुखाबाद है, वाराणसी है, इस तक को हाईलाइट पर रख दिया गया था क्योंकि कहा गया था कि एक अच्छे वॉल्यूम में पानी आ सकता है। लेकिन कल शाम तक जो श्रीनगर में डैम है वहाँ पर पानी का फैलाव हो गया और बहुत ज़्यादा पानी रात तक ऋषिकेश और हरिद्वार में नहीं बढ़ा, लेकिन फिर देर रात में और पानी का जो स्तर है वो बढ़ा है। अभी भी हाईलाइट पर हैं कुछ इलाके जो मैंने आपको बताया, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इसके अलावा श्रीनगर है, यूपी के इलाके भी जो गंगा किनारे हैं वो भी हाईलाइट पर हैं।